So welcome back everyone to AAA Ace Accounts with me Anikant. This is Entrepreneurship with Ease. We are right now on the last chapter, Resource Mobilization of 12th CBSE Entrepreneurship Syllabus. In the previous video, we have understood something about some basics about SEBI, when it was established, its constitution, and then three major functions of SEBI. In this particular video, we're gonna ace what are the powers of SEBI. This is a very important knowledge to possess with the perspective of business studies as well as entrepreneurship and in general as well. So let's begin with powers of SEBI. So hame pata hai ki SEBI kis purpose se bana hai और सेबी के क्या क्या फंक्शंस है जो उसे परफॉर्म करने हैं. तो उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए इन्हें कुछ पावर्स की ज़रूरत होगी. तो क्या क्या पावर्स हैं जो सेबी के पास है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास हैं. सो इनके पास फर्स्ट पावर है टू अप्रूव, टू इंक्वायर अबाउट, टू अमेंड the bylaws of stock exchange. Now stock exchanges are association of persons run to facilitate trade of various types of securities. Stock exchange is a market. It creates and manages a market where securities are traded, shares are traded, to simplify. अब स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर बहुत सारे हैं. दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन दिल्ली एंड अदर इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विच इज वेरी क्लियर इन मुंबई. सो ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पर शेयर्स की खरीद बेच होती है एक मार्केट की तरह. ये स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट प्रोवाइड करता है और सेबी बना ही सिक्योरिटीज के ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए है. तो ये स्टॉक एक्सचेंज जैसा कि मैंने कहा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है. तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस आपस में किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ऑपरेट करेंगे, ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस के क्या इंटरनल रूल्स होंगे, किस तरीके से इनके अंदर मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा, कैसे मेंबर्स को निकाला जाएगा, इफ फॉर दैट मैटर वर्किंग आवर्स, वर्क शेड्यूल, डॉक्यूमेंटेशन, बिलिंग एक्सेट्रा, उन वो सब इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं. जैसे एक कंपनी के अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, इफ यू नो व्हाट दैट इज, विच यू शुड, वो सेम चीज स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर होता है, बायलॉज. तो वो बायलॉज इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए. तो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को अपने बायलॉज पहले सेबी से अप्रूव करवाने हैं. सेबी इंक्वायर कर सकता है उनके बायलॉज के बारे में कि आपका इस रिगार्ड पे क्या बायलॉज हैं, क्या रूल हैं, और उनको अमेंड भी कर सकता है, उसमें चेंजेस भी कर सकता है अगर सेबी को ठीक लगता है कि अमेंड करने से एनी एक्ट दैट सेबी डज शुड बी टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड शुड इंक्रीज हेल्दी स्पेकुलेशन एंड मेक द सिक्योरिटी मार्केट मोर, इट शुड बी टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट. सो बायलॉज में अमेंड कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं और उनके बारे में इंक्वायर भी कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट पावर दैट सेबी पजेस. नाउ द सेकंड पावर ऑफ सेबी इज दैट इट कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय सेबी, उनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स हैं उसको इंस्पेक्ट कर सकता है सेबी. साथ ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट हो सकती है इंटरमीडियरीज की भी, जो ब्रोकर्स हैं जो शेयर का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं. एवरी ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड थ्रू अ ब्रोकर एंड दैट इज अ कंपल्शन. जो भी ट्रेड होता है शेयर मार्केट के अंदर उसमें ब्रोकर आता ही आता है. तो उस ब्रोकर की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और उनका कमीशन भी फिक्स्ड है, तो ब्रोकर्स की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको भी इंस्पेक्ट कर सकता है सेबी. इट कैन कंपेल कंपनीज टू लिस्ट themselves ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस. पब्लिक कंपनीज वो होती हैं जिनके शेयर पब्लिकली ट्रेड किए जा सकते हैं, तो पब्लिक कंपनी को से भी फोर्स कर सकता है कि यू हैव टू गेट योर सेल्फ कंपल्सरीली लिस्टेड सो दैट
आपके शेयर्स का ट्रेड और इजी हो जाए और एकदम क्लियर क्लैरिटी आ जाए उसके ट्रेड में, एकदम ट्रांसपेरेंसी आ जाए, कोई भी एम्बिग्विटी नहीं रहे. स्टॉक एक्सचेंज कैन लेवी फीस एंड अदर चार्जेस. स्टॉक एक्सचेंज कैन ग्रांट लाइसेंस लाइसेंस टू ब्रोकर्स एंड कंपनीज. इवन सेबी सॉरी सेबी कैन लेवी फीस एंड चार्जेस एंड सेबी कैन ग्रांट लाइसेंस. सेबी कैन प्रोसिक्यूट जज द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. नाउ सेबी इज मेंट टू रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज इन इंडिया. सो सिक्योरिटीज यानी शेयर्स किन के होंगे, कंपनीज के होंगे. अब उन कंपनीज का रेगुलेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा. देर इज ऑल्सो अनदर एक्ट, कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट के अंदर भी प्रोविजन इसीलिए रखे गए हैं कि कंपनीज का ऑपरेशन रेगुलेट किया जा सके. तो कुछ प्रोविजन्स कंपनीज एक्ट के सिमिलर हैं सेबी एक्ट में भी, और सेबी एक्ट में मोस्टली थोड़े स्ट्रिक्ट हैं. तो कंपनी अब जब सेबी उन्हीं मुद्दों पर प्रोसिक्यूट कर रहा है, एक प्रोसीडिंग्स चल रही है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो सेबी सेबी एक्ट के साथ साथ कंपनी एक्ट पे भी उन्हीं मैटर्स का प्रोसिक्यूशन कर सकता है. वो सिंपल शब्दों में इस बात को समझाऊं तो, आपने एक ही गलती करी कोई, अब उस गलती का पनिशमेंट आप पापा से ले चुके हो तो मम्मी से वापस पनिशमेंट नहीं मिलेगा. आपने एक सजा की सुनवाई सेबी ने कर दी, तो फिर वापस वो सेम सजा की सुनवाई कंपनीज एक्ट में नहीं होगी. सेबी में हो गया तो सेबी कंपनी लॉ के मैटर में भी प्रोसिक्यूट कर सकता है और जज कर सकता है. ये भी पावर है सेबी के पास. एंड सेबी कैन इम्पोज पेनल्टीज फॉर वायलेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज दैट दे मेक. हमने प्रीवियस वीडियो में आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई लेजिस्लेटिव बॉडी होती है सेबी, तो सेबी के पास लॉ मेकिंग पावर भी है और जुडिशियल बॉडी है, इसलिए वो पेनल्टीज भी कर सकती है एंड प्रोसिक्यूशन भी कर सकती है. सो दीज आर पावर्स ऑफ सेबी. आई होप यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू हैव द कमेंट सेक्शन, यूज इट. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. एंड प्लीज स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल. इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब्ड, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. लाइक द वीडियो इफ यू हैव फाउंड एनी वैल्यू फ्रॉम इट. एंड इफ यू हैवंट येट प्रेस द बेल आइकन, डू प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड अबाउट एनी फर्दर अपडेट दैट आई ब्रिंग ऑन दिस चैनल. एंड आई विश दैट यू हैव अ वेरी वेरी गुड डे टूडे गाइज. बाय फॉर नाउ. सी यू सून इन द फर्दर वीडियो.